हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश ग्रामर, अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, रीऑर्डरिंग को कई नामों से जाना जाता है। कहीं आपने देखा होगा रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कहीं आपने देखा होगा रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कहीं आपने देखा होगा जम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है, कहीं आपने देखा होगा पैरा जम्बल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो रीऑर्डरिंग को लेकर के ही होते हैं, और इसमें वैसे तो कोई स्पेशली इसका कोई रूल नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा फिर भी इसमें आप लोगों के लिए एक बना करके रखा है, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा रूल के हिसाब से समझ में आ जाए। वैसे तो जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं, तो टेंसेज में जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस का, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये सारे सेंटेंसेज जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से वो सेंटेंस देखने में लगते हैं, तो वो सभी देखा जाए तो रीऑर्डरिंग के अंडर में ही आते हैं। होता है एक्चुअली इसमें क्या है कि रीऑर्डरिंग जो होते हैं, इसमें जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, वो सही ढंग से अरेंज नहीं किए गए होते हैं, और हमें करना ये होता है कि वो जो वर्ड्स जंबल लिखे होते हैं, इधर उधर लिखे होते हैं, गलत सलत उल्टे उल्टे पुल्टे वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको हमें सीधा करना होता है, और हमें ऐसे अरेंज करना होता है कि उस सेंटेंस ऐसा सेंटेंस कोई बन जाए जिसका एक अर्थ भी निकले, तो वही रीऑर्डरिंग कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस होता क्या है, ठीक। देखें, डेफिनेशन लिखी है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है वो शब्दों का एक समूह होता है, दैट आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जिससे एक उचित जिन शब्दों को उचित ऑर्डर में, यानी कि एक सही क्रम में अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, टू गिव प्रॉपर मीनिंग, उचित अर्थ देने के लिए, ठीक है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक सही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उसे जिससे कि पूरा अर्थ भी निकल आए, वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक। हिंदी में लिख रखा है, यहाँ पर देखें, शब्दों का व्यवस्थित समूह जो एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट या व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का एक ऐसा सुव्यवस्थित समूह जिससे कि ऐसा भाव प्रकट हो जो जिसका एक अर्थ भी हो, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। सपोज दैट, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, लिव्स कानपुर इन ही, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है, वर्ड्स आर नॉट इन ऑर्डर, वर्ड्स जो हैं इसमें एक क्रम में नहीं लगे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस को हम ऐसे कर दें कि ही लिव्स इन कानपुर, ठीक है, तो इसका एक सेंस भी निकल आया कि वह कानपुर में रहता है, और ये जो वर्ड्स हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो ये अगर हम कहें तो ये सेंटेंस जो ऊपर वाला लिखा ब्लैक से लिखा हुआ है, ये ऑर्डर में नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है, और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे जिनको आपको सीधा करना होगा, यानी कि इस प्रकार से उसको अरेंज करना होगा जिससे कि उसका कोई ना कोई एक अर्थ निकल आए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड की बात है। स्टूडेंट्स जैसे ही इंग्लिश में जाते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि सेंटेंस दो पार्ट्स में होते हैं। लिखा है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, दो पार्ट्स में सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है कि वाक्य में जो कार्य करता है, यानी वाक्य में जो व्यक्ति कार्य को कर रहा होता है, या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। यानी वाक्य में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है, या फिर उस जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, सब्जेक्ट। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है,
ये गलत है यहाँ पर ये स्टूडेंट, सब्जेक्ट नहीं बल्कि यहाँ प्रेडिकेट लिख दिया है, यहाँ पर प्रेडिकेट आएगा उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी कि बाकी में दो ही हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय जिसके जो कुछ वाक्य में जो ही काम वो कर रहा होता है, तो जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को छोड़ करके उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है बाग के बाद में उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें ही लिव्स इन कानपुर, तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ही जो है वो काम कर रहा है रहने वाला। ठीक है, और लिव्स इन कानपुर जो उस ही के बारे में जो पूरी बात कही गई है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के जो प्रकार हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस पांच प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके द्वारा काम होता भी है और काम नहीं भी होता है, जिनसे हमें ये पता चलता है काम हो रहा है और काम नहीं हो रहा है, उसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। इसीलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो होते हैं जिनके द्वारा काम होता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग माई बुक, आई प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस जो हैं उनको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर आई डू नॉट लर्न माई लेसन, ये जो सेंटेंस निगेटिव में होते हैं उनको, नहीं होता है या कभी नहीं होता है, उनको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। फिर सेकेंड हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिनके द्वारा हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, यानी किसी से प्रश्न पूछने का कार्य जिन वाक्यों के द्वारा किया जाता है उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। सपोज दैट आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं कह दूँ यस, अगर नहीं जा रहा हूँ तो मैं कह दूँ नो, यानी यस और नो में ही इसका पूरा आंसर हो जाता है। बट अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस का आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं। सपोज दैट किसी ने मुझसे कहा कि व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, कि आज आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो मुझे यस या नो में उसका आंसर नहीं दे मिलेगा क्योंकि यस या नो में उसका आंसर हो ही नहीं सकता। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैं यस या नो तो उसके बारे में कह नहीं सकता, मुझे कहना पड़ेगा, कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे बाहर जाना है, घर पे कोई काम है, कुछ न कुछ मुझे उसके बारे में एक बात बोल के बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि इंट्रोगेटिव भी, उसके भी दो पार्ट्स हो गए। पहला क्या हो गया, क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दूसरा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा इसमें भी होता है। ठीक है, थर्ड आता है इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जिनके द्वारा आज्ञा, प्रार्थना और सलाह, यानी किसी ने किसी को ऑर्डर दिया, किसी ने किसी से कोई रिक्वेस्ट की, किसी ने किसी को कोई एडवाइस दी, तो वो सेंटेंसेज जो होते हैं उनको इंपरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। ठीक है, या फिर डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो, तो ये सारे सेंटेंसेज इंपरेटिव होते हैं। नेक्स्ट आया है फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा इच्छा, कामना, आशीर्वाद और अभिशाप की जो सेंस है वो प्रकट होता है। जैसे कि मोस्टली सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में इंटरजेक्शन का सिंबल लगा होता है, इसमें साइन होता है। तो जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ऑल गो टू द हेल, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं। और नंबर फाइव हो गया लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, जो कि विस्मय सूचक वाक्य होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इनमें जो मनुष्य के अंदर जो अचानक भावनाएं उठती हैं, हृदय में उठने वाले जो विचार होते हैं वो जब प्रकट होते हैं तो उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अलास आई एम फेल्ड, दुख से कहा कि मैं फेल हो गया, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है, इस टाइप के सेंटेंसेज जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं
रूल्स ऑफ रीऑर्डरिंग, मैंने बताया था वैसे भी कि कोई ख़ास रूल्स तो रीऑर्डरिंग के होते नहीं हैं, सिर्फ केवल एक हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है, चाहे हम सेंटेंस बनाएं, चाहे हम टेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या फिर हम नरेशन बनाएं, या हम एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज ले रहे हैं, जो भी हम सेंटेंस हमारे सामने आते हैं, तो सेंटेंसेस का जो एक लुक होता है, जो उसका देखने में जो उसका ढंग होता है, बस वही उसके रूल्स हैं। फिर भी कुछ यहाँ पर जो ऐसी कुछ सावधानियाँ हैं जिससे कि आपके सेंटेंसेस गलत ना हो, तो मैंने लिख रखी यहाँ पर। रूल नंबर वन में लिखा हुआ है, सबसे पहले दिए हुए वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर लें। ठीक है, कि पहले जो भी सेंटेंस हमें मिलेगा, जो भी जंबल्ड वर्ड्स लिखे होंगे, उनको हम देख लें, एक बार सारे वर्ड्स को पढ़ लें, सारे वर्ड्स को हिंदी में समझ लें, और ये देख लें कि उसका सेंस है क्या, क्या कहना चाह रहा है उस सेंटेंस में। ओके, इसके बाद रूल नंबर टू, रूल नंबर टू में ये है कि ये देख लेना चाहिए कि वाक्य में दिए गए शब्दों के अनुसार किस प्रकार का वाक्य बनाया जा सकता है, कि वाक्य में जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को हम ध्यान से देखें। और अभी मैंने आपको बताया जो ऊपर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे, उन वर्ड्स को देख के हमें ये समझ लेना चाहिए कि इन वर्ड्स के को मिला करके हम किस प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, फिर रूल नंबर थ्री में है, यदि किसी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव में ही वो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, रूल नंबर फोर है, वाक्य का सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर भी बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट किसी एक इंसान का नाम होता है, कभी कभी कई चीज़ें होती हैं, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, तो द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ये सारे वर्ड्स मिलकर के एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर के भी एक सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिकॉर्डिंग करते समय वाक्य के स्ट्रक्चर को सही ढंग से लगाने का प्रयास करें। ये सिर्फ सावधानियां ही हैं डियर स्टूडेंट्स, कि जो रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे हों तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सही ढंग से लगाने की कोशिश करें। यदि वाक्य में सब्जेक्ट का पता चल जाता है तो रीऑर्डरिंग करने का लगभग आधा कार्य पूर्ण हो जाता है। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट अगर ढूंढ लेते हैं, तो जैसे ही सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया तो लगभग उसका आधा काम समझ लो कम्प्लीट हो गया, फिर आगे का सेंटेंस हमारा आसानी से बन सकता है। ओके, उसके बाद सेंटेंस के प्रकार के अनुसार स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। अभी स्ट्रक्चर्स नीचे हम बताएंगे कि जैसा सेंटेंस होगा उसका वैसा स्ट्रक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रयोग कर लेंगे। ओके, रूल नंबर सिक्स है, वाक्य पांच प्रकार के होते हैं जिनको निम्नलिखित सूत्रों के माध्यम से रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे सूत्र लिखे हैं और उनके माध्यम से आप रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, तो देखते हैं नीचे सूत्र को। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस में एक अफर्मेटिव बताया था मैंने आपको और एक बताया था इसका निगेटिव। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का देखो सीक्वेंस क्या होगा, एक सीक्वेंस लिख रखा है, एक स्ट्रक्चर लिख रखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ये आर ऑफ यस का मीन्स हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि बचा हुआ वाक्य। ठीक है, सभी लोग इसको बार बार आपको इस हमारे जो सीक्वेंस हमने लिख रखा है इसमें आपको बार बार ये मिलेगा रेस्ट ऑफ सेंटेंस, इसका अर्थ यही होता है कि बचा हुआ वाक्य। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है, ये जो सूत्र लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में ये चल जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट जो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो अगर हम टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस का हम प्रयोग करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं, यस या ईएस भी नहीं वहाँ पर हम जोड़ते हैं उसमें। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं होता है। सेम ऐसे ही जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, तो पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस पहला वाला है अफर्मेटिव का, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है।
ठीक है। और बाकी जितने भी टेंसेज बचते हैं उनके लिए ये वाला जो सेकंड वाला सीक्वेंस है वो ये है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगा, फिर जो भी फॉर्म वर्ब की होगी वो आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंसेस को हम देख लें। निगेटिव सेंटेंस में भी देखो दो सीक्वेंस होते हैं, एक तो ऐसा हो गया कि जो कि प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट और पास्ट इनडेफिनिट के लिए होगा, जिनमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, कि अफर्मेटिव और निगेटिव, कुछ निगेटिव ऐसे होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर या फिर नो भी कभी कभी आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, तो जब कभी नहीं आ गया तो हम नेवर का यूज़ करेंगे। हालांकि सेंटेंस निगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बट ये निगेटिव सेंटेंस जो होगा नेवर वाला वो हम बनाएंगे अफर्मेटिव के रूल से, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नेवर का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो ही नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है, टेल में हम एस आई एस लगाएंगे, ही नेवर टेल्स अ लाई, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का कि उसने कभी झूठ नहीं बोला तो ही नेवर टोल्ड अ लाई, मीन्स बना तो सेकेंड फॉर्म से है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से, लेकिन सेंटेंस निगेटिव है और कभी नहीं बोला है तो हम नेवर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये वाला जो पहला वाला सूत्र है निगेटिव का वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के उन सेंटेंसेस के लिए है जो कि कभी नहीं या कभी नहीं वाले सेंटेंसेज होते हैं जिनमें कि हम नेवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेवर के यूज वाले सेंटेंसेस को अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के के टेंस में अगर हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसमें देखो डू डज, डू नेवर और डज नेवर कभी नहीं देखा होगा, और डिड नेवर भी कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। इसलिए उसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं बल्कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नेवर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में सेकेंड जो है इसका स्ट्रक्चर वो बाकी सभी टेंसेज के निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस नॉट या नेवर या नो जो भी आया है वो होगा, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये अफर्मेटिव के दो सीक्वेंस हो गए, इसमें अफर्मेटिव के असर्टिव के लिए असर्टिव में अफर्मेटिव के दो सीक्वेंस हो गए और निगेटिव के भी दो सीक्वेंस हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन फार्म जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा है लेकिन उसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड कोई नहीं दिए गए हैं तो हम सोचेंगे ये सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव का है, और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी का सेकेंड स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर नो वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और एक बात समझा दूं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स कि देखो एक तो सेंटेंस सिंपल निगेटिव होता है, केवल निगेटिव होता है, तो जब सेंटेंस केवल निगेटिव होगा तो हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हैं तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट नेवर जो है वो आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा ही होगा। नेक्स्ट है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका देखें स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड तो आएगा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर इसी में देखो निगेटिव भी हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट नेवर नो जो आएगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, वो अभी चूंकि छिपा हुआ है उधर पर तो क्वेश्चन मार्क भी इसके लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स जब भी कभी हु आता है, हु ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड होता है जिसके बारे में थोड़ा सा हमें स्पेशल सोचना होता है कि हु जो है वो जिस सेंटेंस में आएगा वो डब्ल्यू एच वर्ड तो होगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द तो वो होगा ही,
साथ साथ में हु का मीन्स क्या होता है कि हु सिंगुलर होता है, हु एक वचन होता है, और थर्ड उसके बारे में हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हु जिस सेंटेंस में आता है उसमें वो सब्जेक्ट का भी काम करता है, उसके ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं वो हो गए सिंपल इंट्रोगेटिव के। अब आगे बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है थर्ड, यानी आज्ञा प्रार्थना और सलाह वाले जो वाक्य होते हैं उनको इंपरेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं, इसमें डू भी हो सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में डू, डोंट भी हो सकता है, प्लीज़ भी हो सकता है, काइंडली भी हो सकता है, यानी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स इसमें पहले दिए गए होंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंस मोस्टली वर्ब से ही शुरू होते हैं। ठीक, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कंटेनिंग लेट, जिनमें लेट होता है, लेट वाले वाक्य भी होते हैं, तो उनमें पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और बी, बी ई बी, ये ऑप्शनल होता है, पैसिव में आ सकता है। ठीक है, कि कभी कभी पैसिव में बी आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, फिर फोर्थ इसका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद और अभिशाप जैसी बातें आती हैं, और अधिकतर ऐसे सेंटेंस एम ए वाई में से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में इसमें ये जो इंट्रोजेक्शन का सिंबल होता है वो अबस से लगा होता है, यानी कि संबोधन सूचक का निशान इसमें लास्ट में लगा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मे, पहले मे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी एडवर्ब कोई आएगा, और फिर उसके बाद में ये सिंबल लगा होगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जो मे से नहीं स्टार्ट होंगे, तो वो मे को छोड़ करके बाकी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो लास्ट आता है, इसमें देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसमें हृदय में अचानक उठने वाले भाव प्रकट होते हैं, और ये सिंबल इसमें भी अवश्य लगा होता है। फार्मूला इसका क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स पहले आते हैं। ठीक, कैसे, या तो अलास होगा, हुर्रा होगा, ब्रेवो होगा। ठीक है, और उसके तुरंत बाद ये सिंबल लगा होता है। इसके भी दो स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है कि इसमें अलास, हुर्रा, ब्रेवो आएगा। जब अलास, हुर्रा, ब्रेवो आएगा तो उसके जस्ट पास में ये सिंबल लगा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, और अगर अलास, हुर्रा, ब्रेवो से ये सेंटेंस नहीं स्टार्ट होते हैं तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि हाउ और व्हाट से शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो हाउ और व्हाट अगर इनमें से कुछ आएगा तो आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब नाउन होगा, यहाँ पर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्लस लास्ट में सिंबल लगा होगा तब। यानी जब हाउ और व्हाट से सेंटेंस शुरू होंगे एक्सक्लेमेटरी, तो लास्ट में सिंबल आएगा, और जब अलास, हुर्रा, ब्रेवो से शुरू होंगे तो बिल्कुल अलास, हुर्रा, ब्रेवो के पास में ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, कि हमने हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, तो ये हुर्रा के पास में सिंबल है। और हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो बिल्कुल लास्ट में इज हेल्पिंग वर्ब आ गई और लास्ट में सिंबल लगा दिया गया, तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, या हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है, डरावनी बात हुई यहाँ पर। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हमने बताए हैं आपको, सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिए, और उन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको रीऑर्डरिंग सही से करते रहना है। और इसी के साथ में ये जो रूल्स हैं इसके रीऑर्डरिंग के, वो बस इतने केवल सावधानियाँ बता दी, बाकी इसके स्पेशली कोई खास रूल्स तो नहीं होते हैं। तो ये सावधानी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। और बाकी इसके बाद में मैं आप लोगों को पर डे एक एक्सरसाइज देता रहूँगा रीऑर्डरिंग की, आप उसको समझते रहें और साथ साथ में उसके प्रैक्टिस करते रहें। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।